गुजरातस्य गौरवाय राष्ट्रकल्याण हेतवे युवकानां विकासाय विवेकानंदं नमाम्यहम्। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, भारत को उज्ज्वलतर, महत्तर और पहले से और भी ऊंचा उठाओ। भारत के हृदय में महान शक्ति निहित है, उसको जगाना है। आत्मविश्वास और अतीत गौरव के ज्ञान से हम अवश्य एक ऐसे भारत की नींव डालेंगे जो पहले से श्रेष्ठ होगा। विवेक विचार। स्वामी विवेकानंद ने भारत से बाहर विश्व में जो जाकर भारत की कितना भारत महान है, उसका त्याग तपस्या का, उसकी जो भावना थी नारी जाति को आगे उठाया जाए, परंतु नर नारी का भेद, चाहे आत्माओं का धर्म भेद आपस में, रंग भेद, भाषा भेद, जाति भेद कैसे मिटाने की हमारे से सेवा करा रहा है। स्वामी विवेकानंद की खास से भावना थी सारे विश्व में भारत से शांति सुख का मिले, दुख शांति खत्म हो जाए, सारे विश्व को शांति देने, तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद की जो भावना थी, भारत से ही विश्व को मिलेगा, तो भारत से ही विश्व को मिल रहा है। विवेक मंत्र। मित्रों, मेरी स्वामी विवेकानंद के प्रति अपार श्रद्धा, मेरी वो निरंतर प्रेरणा है और मुझे स्वामी विवेकानंद के उन शब्दों में भरोसा है कि उन्होंने जीवन के अंतकाल में कहा था कि मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं मेरी ये भारत माता फिर एक बार जगत गुरु के सामने विराजमान है। जिस स्वामी विवेकानंद ने वो सपना देखा है वो कभी झूठ नहीं निकल सकता। सिर्फ आवश्यकता यह है कि हम स्वामी विवेकानंद के उन शब्दों को भरोसा करके माँ भारती अपने जगत गुरु के स्थान पर विराजमान हो, इसके लिए हम कोशिश करें। और मित्रों, समय हमारा है, ये शब्द लिख के रखिए मेरे मित्रों, ये सदी हमारी सदी है, ये सदी हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों की सदी है, ये सदी ज्ञान की सदी है, ये सदी पुरुषार्थ की सदी है, और मेरे हिंदुस्तान के सबसे युवा मेरा देश।